बताइए कुछ आज का दिन। ओह माय गॉड, इट्स फन। टोटल लव यू पूरी मैम, ऐसे नीचे रही हूं दबा। कहाँ पर आया हूँ समझ गए होगे, ये खा रहा हूँ जूहू आए, पर ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। ये ले, अभी एक सीन हो गया। मोनिका को मैं दे रहा था ऐसे, तो पूरा ऐसा भरा हुआ है ना ये ऐसे, तो उसने प्रेस कर दिया और उसके पाँव पर गिर गया। अच्छा हो गया वो वाइट कुछ है स्ट्राइक, उस पर नहीं गिरा। तो एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने जैसे कि बता दिया, वी आर इन जू, लाइक ऐसे ही रैंडम प्लान बना, सो वी केम योर। सो योर इज मोनिका, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ बिजी हैविंग गोला। अभी मैं पछता रहा हूँ, मतलब जू आके, क्योंकि बहुत धूप है और बाहर के तरफ ऑल्सो वी कुड हैव वेटेड, बट वी डिसाइडेड टू कम इनसाइड कॉज बाहर बहुत धूप है और यहाँ पर थोड़ी कम धूप है। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर एंड कहीं तो जाएंगे, और आपको बीच वगैरह भी दिखाता हूँ और बाकी स्टॉल भी दिखाता हूँ। तो जाते हैं अभी। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे थे आप लोगों को बीच दिखाने, पर मोनिका की सैंडल जो है उसका सोल निकल गया, तो नाउ शी वॉन्ट्स टू रिपेयर दैट और एल्स शी इज़ लाइक विल गो एंड बाय बाय बाय। अपन एक काम करते हैं, बेटर है कि ढूंढते हैं कहीं पर, तो देखते हैं मिल जाए तो रिपेयर कर लेंगे। कंजूस फ्रेंड किसी को ना मिले। अरे इसको गोला चाहिए। यू वांट मोनिका, पर जूता है। ठीक है, गोला था मेरे हाथ में, वो बच्ची मांग रही थी। आई डेंट लाइक ऐसा जूता देने को, बट अभी सोच में यहाँ पर बैठे हम लोग रास्ते के पास में, कहाँ पर हमें मूछी दिखेगा, क्योंकि इसकी चप्पल बनानी है, या फिर ये बोल रही है कि इतनी मतलब तपती धूप में रेती के ऊपर सैंड के ऊपर ये चलेगी, मतलब वो ऐसी बात हो जाएगी कि वो फायर पे चलते हैं ना, वैसी बात हो जाएगी। तो इतनी घड़ी परीक्षा से नहीं जाने दूंगा, शायद से वो सोल निकाल के यहाँ पर रख सकती है, एंड यू कैन टेक इट लेटर इफ यू आर ओके विद दैट। गाइस आप लोग बताओ, ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते, आप लोग यहाँ पर चप्पल छोड़ के जाते या फिर बिना चप्पल इतनी तपती धूप में आगे जाते? प्लीज़ ये नेक्स्ट एपिसोड के कमेंट्स में बताइए, मतलब नेक्स्ट एपिसोड नहीं, ये ही ब्लॉग के कमेंट्स में बताइए। और ये हंस रहा है यार, क्यों हंस रहा है? क्या हो गया? नहीं, तुम चप्पल थी ना? हाँ। ऐसे ही चले जाओ, या बिना चप्पल गए हम इतना थोड़ी चलेंगे। हाँ। ये भी बोल रहा है कि बिना चप्पल चले जाओ, तो आप सो फाइनली गाइज हम लोग ने डिसीजन ले लिया है बहुत बड़ा, कि चप्पल हाथ में लेके चलेंगे, और वो बस राह की तरफ ऐसे आगे बढ़ रहे, और बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर ऐसे बैठे कि हम लोग उनसे फ़ोटो खिंचा लें, पर हमें फ़ोटो नहीं खिंचाना यहाँ पर, नहीं खिंचाना फोटो, क्या करें भाई, हम फोटो ऑलरेडी खींच रहे हैं। तो या नहीं नहीं बोट नहीं चाहिए, पर कितना प्राइस इसका है? 200 रुपीज़ पर पर्सन। बोट में या फिर वो स्पीड बोट? स्पीड बोट में। और कितना मिनट? स्पीड बोट के साथ 2 किलोमीटर अंदर तक घुमा के लेके आएगा। 2 किलोमीटर मतलब आगे कोई बैठेगा? हाँ आगे ड्राइवर रहेगा ना। ओके, और बस स्पीड बोट ही है क्या? हाँ स्पीड बोट है, इधर मोटर बाइक है। और ये भी था ना शायद पैराग्लाइडिंग था? वो इधर नहीं, इधर नहीं है ना, पैरासेलिंग। सो गाइस हम लोग ने डिसीजन लिया दैट वी आर गोइंग फॉर यू नो स्पीड बोट में बैठने के लिए, क्योंकि दीज पीपल कन्विंस्ड अस, लाइक नहीं हो रहे थे, बट फिर मन हो गया, सो नाउ वी आर गोइंग। अभी जूते निकाल रहे हैं यहाँ पर,
आप लोगों को भी एक्सपीरियंस दे दूँ। आप जू कभी आते रहोगे तो आप लोग भी सोचते रहोगे ना कि इसे जाना चाहिए, नहीं जाने को टाइम मिलता है या फिर जो भी रीज़न है। तो अभी जाएंगे, उनका बोर्ड कुछ अंदर गया है, देखते हैं। और मैंने तो बोल दिया है बॉस मेरे को भीगना नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट बाय। तो उन्होंने बोला नहीं, बस पैंट ऊपर ले लो, भीगोगे नहीं, और बाकी इसको तो देखो। कुछ तो बोल। गाइस यू नो मोनिका क्या बोल रही थी मुझे कि ये कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस नहीं क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन कॉलेज में, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट 40-50 लोगों के सामने ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन देना देन ब्लॉगिंग। अभी उसका पता चल रहा है कितना डिफिकल्ट होता है। 40-50 नहीं, यहाँ पर तो 1000 लोग हैं और जो मतलब ऐसे घूरते रहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं ऐसे कैमरे के सामने। अभी तो इसकी बोलती बंद हो गई, बस हंस रही है, नहीं तो मुँह छुपा रही है, यही कर रही है। बोलना कैमरा रखता हूँ तो बहुत बड़बड़ बड़बड़। अभी बोल, दिखाई भी नहीं रहा सीधा, नहीं देखने का क्यों है, तू मुंह से बोलना, देखना थोड़ी है हमें। हाय क्या हाय बोल दो तू कुछ। इतना वेट करने के बाद अब हम चल रहे हैं, बस ऐसे सोचा नहीं था ये चीज़ मुंबई में भी करेंगे। मतलब मैं ये पहली बार ऐसे बोट की राइड ले रहा हूँ। माई पैंट्स राइड और द बोट बैठ रहे, डोंट फॉल डाउन, सो आई एम सिटिंग हियर। थोड़ा सा, इट्स नॉट दैट वेट, यू कैन सिट। भाई गीला तो नहीं होंगे ना, पक्का ना? मैं इधर खड़ी रहती हूँ, तू मेरा फोटो निकाल। पिक्चर्स चालू हो गए मांगना। हाउ मेनी पिक्चर्स डू यू वॉन्ट? शी टोल्ड मी पहले ओनली दैट आई वॉन्ट 3 पिक्चर्स इन दिस आउटफिट। मतलब ये लड़कियों का क्या होता है ऐसे 3 पिक्चर्स 2 पिक्चर्स क्या होता है? लाइफ जैकेट नहीं पहना तुझे? नहीं यार मेरे को फोटो लेना है। तेरे को मतलब जू में ही मरना है? ऐसी कैसी मौत ये जू में फोटो शूट कर दे। टोटल टोटल लग रही हूं पूरी मैं ऐसे नीचे गई हूं दबा के। दिख रही नहीं तू, इतना बड़ा है वो लाइफ जैकेट। मुझे लग रहा है एक्सेल साइज पहना दिया तुझे। वैसे यहाँ पर लाइफ सेव क्या करे, तेरे को तो पहनना नहीं है ना वो तो। इस तरफ भी है पता नहीं, बस इन्होंने फोर्स कर दिया तो कर रहे और ऐसा मन बना दिया। मैंने तो कभी किया नहीं, आप लोगों को बताया मैंने, तो अभी कर रहा हूँ मैं पहली बार ये वॉटर स्पोर्ट। एग्जैक्टली वी वर अबाउट टू लीव फ्रॉम योर यू नो, बस हम लोग 5 मिनट रुके, इतना धूप था तो सोचा निकल जाए, पर इतना मन बना दिया तो अभी जा रहे हैं और फटाक से यहाँ से शायद निकल जाएंगे। और कितना टाइम ये लोग रुकाने वाले हैं पता नहीं, लाइक आर दे कमिंग? नो पीपल आर कमिंग, सो दे आर स्टार्टिंग दिस थिंग और नॉट? भाई लेके कितना टाइम रुकना पड़ेगा? थैंक गॉड। सो गाइस वी आर इन द ओशन, ओ माय गॉड, आई डोंट नो। Oh,
द बीच मैं पूरा गीला हो चुका हूँ. दे टोल्ड अस कि नहीं होगा पर वाटर फ्लो लाइक द वेव्स आर कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग सो वी गॉट वेट बट दैट्स फाइन फॉर अ स्मॉल राइड. थोड़ा बहुत इतना चलता है. Oh my god, my jeans got wet. Oh shit. Look at my jeans, already wet. अभी मेरे को भी ऐसे चलना पड़ रहा है बिना जूतों के. Because I have to, you know, wash my legs. Then कैसे तो भी tissues हैं सुखा के. I'll wear the socks and yeah, I don't know. How am I gonna do? शायद वहाँ पर कुछ है पाव धोने के लिए तो we'll go there. By the way, they have put all these things like they have made like Goa only here. अच्छा लग रहा है गोवा में यार. पाव नहीं धोने सेकेंड टाइम हुआ मेरे पोलो राइड के चश्मे. बाकी मेरा घड़ी आज ही मैंने इतने टाइम बाद पहनी वो भी गिली हो गई. महंगी घड़ी. अभी पानी में पाव नहीं डाला था तो आई एम जस्ट स्क्रबिंग माई लेग विथ टिश्यूज. मतलब मैं मेरा पाव का जो सैंड है वो निकाल सकूँ और फिर मैं सॉक्स पहन सकूँ. सो मोनिका प्लीज टेल आवर ऑडियंस हाउ वाज द राइड. मुंबई में स्टार्ट हुआ है जुहू में स्टार्ट हुआ है राइट फ्रंट ऑफ रमाडा. आई गेस आगे भी है बट वी वर राइट फ्रंट ऑफ रमाडा होटल. तो या एग्जैक्टली थोड़ा गोवा जैसा वाइब बना रहे वो लोग तो बनेगा नहीं ऑब्वियसली. तो ऐसा किसी को जाना है तो ठीक है कम कर करके ऐसा मतलब आज शायद से वेनसडे तो 100 वेनसडे या टुडे इज वेनसडे. टुडे इज वेनसडे. व्हाट डू यू सेइंग. मुझे अभी इसके ये ग्लासेस पहनने का सीक्रेट पता चला. क्या है कि सामने वालों को पता ना चले कि आप उस पे देख रहे हो. जैसे ये मेरे पास ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्यों. हाय बोलो. हाय. दिस इज एक्चुअली नाइस. मेरे को पसंद नहीं थी जूह की पाव भाजी बट आई एम लाइकिंग दिस. मस्त एकदम बटरी है और चीज़ भी बहुत सारा डाला है देख सकते हो. सो गाइस खा लिया हमने पाव भाजी. अभी बस रमाड़ा के मैंने एग्जैक्ट बाहर खड़ा हूँ तो अभी कहीं तो जा रहे हैं. एक्चुअली इसके कोई फ्रेंड का बर्थडे है. इसका सर दर्द हो रहा है शायद से तो ऐसे सोई है. तो फ्रेंड का बर्थडे है तो हम लोग कुछ तो भी शॉप करने शायद से जाएंगे. पता नहीं कहीं तो जाना है कुछ तो करना है. एंड नाउ इट्स यू नो 5:20 और मेरी घड़ी शायद से कुछ प्रॉब्लम दे रही है. मैंने इतने दिनों बाद पहनी और पता नहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए बस. एनीवेज और मोनिका कुछ पता तू कैमरा इतना ऊपर क्यों लेके गया. तो ये ले नीचे हो गया. गाइस मोनिका बोल रही थी उसको हेलीकॉप्टर में जाना है मतलब वहाँ पर ऊपर ऐसी उड़ रही थी बोलती है. कौन कर रहा है. हाँ तो मैंने एक अच्छा आइडिया दिया उसको. मैं दिखाता हूँ आपको. मैं इसमें तेरे को बिठा दूंगा तो फिर डायरेक्ट उड़ के आ जाएगी. ऐसे मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ तेरे को इफ यू डोंट माइंड. ये मतलब 5,000 भरना 5 मिनट के लिए इज लाइक सिगरेट पीने जैसा. खत्म. नो आई डोंट डू इट. आई एम जस्ट सेइंग. So guys, we left from Juhu. Now we are going. Where we are going? Bandra Carters. Bandra Carters. और इसको तो देखो जरा बिना चप्पल. अभी कार्टर जाएंगे देखेंगे क्या करेंगे आगे. और बताइए कुछ. मैंने इसको बोल दिया तू ही चला एक्टिवा क्योंकि मेरे पास लाइसेंस तो नहीं और बांड्रा तक का आई कांट टेक रिस्क यू नो. नहीं नहीं मुझे शर्म है ही नहीं. मैं मुझे मतलब शर्म लेस हूँ मैं जो भी बोलते हैं उसको. I don't have license and I don't want to get caught. What? I'm not giving you what? Good gyan. He came from Borivali to Andheri bike se without license. हाँ तो. Guys ऐसा नहीं करना चाहिए. Oh my god. मेरे को तो लग रहा है तेरा भी चैनल आने वाला है जल्दी.
तो गाइस अभी हम लोग बांद्रा पहुंच गए, अभी बैंडस्टैंड जा रहे हैं। हम लोग कार्टर जाने का प्लान किए थे पर अभी बैंडस्टैंड जा रहे हैं क्योंकि कार्टर में अभी ये महीने में ही आया था, तो अभी बैंडस्टैंड जा रहे हैं। वैसे मोनिका वहाँ पर है, उसकी चप्पल के नीचे, हील्स के नीचे वो ग्लू लगा रही है। मोनिका कब से बैठी है यहाँ पर, तो मैं अभी देखने को आया। हुआ नहीं अब तक मोनिका? हुआ नहीं है अब तक? कितना टाइम लग गया? ओके, बस हो गया ऑलमोस्ट। सो लास्ट पार्ट में मैंने बताया कि हम लोग जा रहे बांद्रा बैंडस्टैंड, जो कि हम लोग गए ही नहीं। धूप में थे हम लोग, मोटर बोट से गए। हम लोग सोचे थोड़ी देर कैंडीज बैठते और यू नो उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो कैंडीज गए हम लोग, तो फिर पहले ही बहुत ह्यूमिडिटी थी, तो वी थॉट ऑफ सिटिंग इन द एयर कंडीशन। कैंडीज, जिसको नहीं पता, वो एक रेस्टोरेंट है बांद्रा में, तो हम लोग एयर कंडीशन में बैठे। तो बस म्यूज़िक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग ना करूँ, क्योंकि मैं व्लॉग करूँगा तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक बैठ जाएगा। पहली फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रहे हैं अपने वीडियोस पे। मैं नहीं चाहता था कि असली वाला कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए अपने वीडियो पे, तो उस वजह से मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद में फिर हो गई थी शाम, मतलब ऑलमोस्ट 7-6 बज गए थे, अंधेरा हो गया था, सूरज ढल गया था, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकता ऑब्वियसली। अपना कैमरा मतलब नाइट मोड में इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। और मैंने सोचा कि घर आके मैं व्लॉग एंड कर दूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि व्लॉग आधा अधूरा हो। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न के वजह से, कुछ थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली रहेगी जो मुंबई ट्रैवल करना चाहता है या फिर मुंबई में रहता है, और मैंने जो भी जगहों पर गया आज और आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया, आप लोगों को पसंद आई होगी वो प्लेस या जो भी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना, उस लोगों को वीडियो शेयर करनी होगी तो वो भी कर देना। तो ऐसे मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। मतलब वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देखी है या फिर जो भी फॉरवर्ड करके देखी है ना, तो उसका थोड़ा मतलब ऐसे बांटोगे प्यार हमें आपके दोस्तों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मोटर बोट राइड ज़रूर लेना, मतलब इतनी चीपेस्ट मोटर बोट राइड मतलब ले सकते हो बॉस। तो या